कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों के बीच देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर अग्रसर है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसके तहत उन शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की सिफारिश की गई है जहां कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है। देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने वाले जिलों की संख्या 150 या उससे ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार हुई बैठक में ये प्रस्ताव आया है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस के बीच इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत बताई है। जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जरूरी है। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका बोझ अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के क्रैश यानी पूरी तरह से चरमराने का खतरा पैदा हो गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो कुछ हफ्ते का लॉकडाउन लगाए जाने से कोरोना के चैन को ब्रेक किया जा सकता है। आपको ये बात पता ही होगी कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सरकार ने बताया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO का उत्पादन बढ़कर प्रतिदिन 8,922 टन कर दिया गया है। इसके बावजूद आपूर्ति से ज्यादा मांग है। सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन महीने के अंत तक प्रतिदिन 9,250 टन से अधिक हो जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों ने जीवन रक्षक गैस के बढ़ते उत्पादन के बारे में जानकारी दी है। COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच कई स्थानों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द ऑक्सीजन संयंत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। देश में मौजूदा कोरोना संकट पर नजर डालें तो स्थिति बेहद खराब है। संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा मंगलवार को 2,00,000 के पार हो गया है। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है जहां इस महामारी के चलते 2,00,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 5,87,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं ब्राजील में ये आंकड़ा 3,95,000 का है। मैक्सिको में भी अब तक 2,15,000 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,62,757 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात ये है कि इस बीच 2,62,039 लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवरी का ये आंकड़ा भी सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,358 नए केस मिले हैं। वहीं केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।